नतमस्तक होते हुए आज इस प्रांगण में ही नहीं अपितु देश की हर कन्या आप श्री से प्रसाद ग्रहण करने के लिए लालायित है। कृतज्ञता भरा निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। चयिता भारहम वासम चक्रवर्ती महिद्धि ओ संति संति करे लो ए पत्तो गई मनुत्तरम। मैं हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के इस श्रावक समाज की जो कन्याएं हैं उनके संदर्भ में अपनी बात विशेषतया बताने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि ये कन्या मंडल की जो व्यवस्था है अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का साया मान लें जो भी अंतर्गत है, तो वह बहुत सुंदर अच्छी बात है कि ये कन्याओं को एक अच्छे परिवेश में रहने का और कुछ पथ दर्शन प्रशिक्षण पाने का सुंदर मौका मिल सकता है और पथ से विचलित होने से बचने का भी मौका मिल सकता है। बहुत अच्छी ये व्यवस्था है समाज में कन्या मंडलों की, उनको विकास का भी अच्छा मौका मिल सकता है और उनमें शिक्षा का भी अच्छा विकास कईयों में प्रतीत होता है उनके भाषण से बोलने से। तो यह एक ज्ञानात्मक पक्ष भी कुछ अच्छा लग रहा है और यह महिला मंडल के अंतर्गत यह कन्या मंडल का होना भी बहुत सुंदर उनके पथ विचलन को रोकने में बड़ा सहायक बन सकता है। तो तेरापन समाज की कन्याओं में अन्य शिक्षा का विकास, बहुत अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेना वो भी एक उनके विकास का पहलू है और इसे कोई अवांछनीय भी नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ धार्मिक ज्ञान का भी विकास जितना अनुकूलता का क्रम हो होना चाहिए। जैसे महिला मंडल के द्वारा तत्व ज्ञान तेरापन दर्शन के जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनसे भी कन्याएं अपने आप को जोड़ करके लाभान्वित कर सकती हैं। कन्याओं के लिए उनके भविष्य के संदर्भ में भी ध्यान देने की अपेक्षा है। जैसे साध्वी प्रमुखा जी विराजित हैं महिला अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल की भी बाइयां हैं कि ये कई बार जो शादी का प्रसंग आता है तो उसमें कहीं कहीं समस्या होती है या हो सकती है, क्योंकि ये कॉलेज आदि में पढ़ती हैं। अब किसी लड़के के साथ मित्रता करने संपर्क है फिर शादी भी उसके साथ करने चाहती है, अब वो लड़का किस परिवार का है, अब वो जैन धर्म की संस्कृति से प्रतिकूल संस्कृति वाला लड़का है जहाँ नॉन वेज भी खुले आम चलता है, वो वहाँ शादी करना चाहती है, तो यह एक समस्या की बात हो सकती है। अब वो कह दे नहीं कि लड़का मांसाहार नहीं करेगा, वो मांसाहार का त्याग कर देगा। लड़का मान लो मांसाहार का त्याग कर देगा, मान लो वो नहीं भी करेगा, एक लड़के के त्याग से काम पूरा नहीं होता। बाकी उसका परिवार कैसा है, उसका पिता क्या भोजन करने वाला और माँ क्या खाना खाने वाली और सब परिवार के लोग हैं, एक लड़के के त्याग करने से क्या होगा, बाकी परिवार में साथ में रहना होगा, तो वहाँ वो नॉन वेज तैयार करना पड़े उस कन्या को जो वहाँ गई है, तो यह थोड़ी जैन संस्कृति से प्रतिकूल स्थिति में उसको जीना पड़ सकता है। तो यहाँ चिंतन का विषय यह है कि जो एक तेरा पंथ समाज के संस्कार में पली पुसी है जन्मी है, अब वो उस संस्कृति के प्रतिकूल परिवार में जाने का मानस बना लेती है, आखिर वो रोकने का प्रयास भी कितना किया जाए, कहीं कहीं प्रयास सफल भी हो जाए कहीं नहीं भी हो, या कहीं बिना मन जैसे तैसे करना पड़े कुछ बात माननी पड़े उसको, तो अब ऐसी संस्कृति विरुद्ध
या जैन संस्कृति से प्रतिकूल परिवेश में जाने का शादी का निर्णय हो जाता है, निर्णय उसने मानसिक कर लिया और बाद में उसको रोकने का प्रयास करें वो तो थोड़ा दुरूह काम हो सकता है। उसको पहले ही कन्याओं को महिला मंडल के द्वारा एक ऐसी कार्यशालाओं में और ऐसे भाषण, ऐसी स्थितियां भी जानकारी, ऐसी चिंतन मंथन दिया जाए कि भी तुम्हारा भविष्य आगे जो होना है संभावित रूप में, तुम्हारा भविष्य कहाँ बीतेगा, इस पर चिंतन करो अभी से, बाद में तुम निर्णय कर लो, फिर रोक टोक करें, उससे पहले पहले ही तुम चिंतन करो तुम्हारा भविष्य कहाँ बीतना चाहिए। तो यह प्रशिक्षण एक कन्याओं को ऐसे मतलब कन्या मंडल के सम्मेलनों में, केंद्रीय में, एक स्थानीय मौके मौके पर ऐसी उनको जानकारी, ऐसा चिंतन मिलता होगा या मिलते रहना चाहिए कि वो पहले से ही उनका चिंतन, उनको हिताहित का बोध दिया जाए ताकि वो अपना निर्णय करने से पहले इन बातों की जानकारी रखें, बाद में अपने भविष्य का निर्णय करने में उनको अनुकूलता हो सकती है। अब तो जहाँ वो पूर्णतया या मोटा मोटी रूप में जहाँ जैन संस्कृति से विरुद्ध परिवेश है वहाँ वो जिएगी रहेगी, तो इसका मतलब वो जैन संस्कृति से काफ़ी दूर का जीवन जीने जीना के लिए मजबूर हो जाए, जीना पड़े उसको, तो वो स्थिति पैदा हो सकती है। मान लो मांसाहार की बात तो नहीं है उस अन्य परिवार में जहाँ शादी की बात हो रही है, परंतु जैन संस्कृति का लवलेस भी नहीं है तो भी थोड़ी कठिनाई है कि वो वहाँ जाने के बाद उस परिवेश में वो जैन धर्म से कितनी जुड़ी रह पाएगी, क्या होगी, वो भी एक थोड़ा सा कम हानिकारक प्रश्न है। तीसरी बात है, मान लो वो जैन परिवार में भी शादी होगी, ठीक है जैन संस्कृति तो है, एक तेरा पंथी कन्या है, कल्पना करो अब वो मूर्ति पूजक समाज में गई है, वहाँ वो उसको तो मूर्ति पूजा और वो सब मान लो करना पड़े, तो तेरा पंथ की जो मान्यता की संस्कृति है उससे तो कुछ उसको हटना पड़ सकता है। तो ये कन्याओं के भविष्य के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण विषय बनता है, उनकी शादी आगे होने का क्या क्रम बन रहा है। तो वो जैन धर्म और फिर उसमें भी तेरा पंथ और हमारे श्वेतांबर, हमारी अमूर्ति पूजा की संस्कृति, हमारी मान्यताएं, हमारी, अब देखिए ये कन्याएं कुछ बैठी होगी यहाँ पर, मेरे मन में आ रहा था कि गुरु धारणा इनको कराएं, क्या गुरु धारणा कोई नहीं कि तो करा दें गुरु धारणा, ये मैं सोच रहा था। तो ये तो ठीक है, गुरु धारणा जो लेना चाहें वो करा सकते हैं, हो सकता है, बात यहाँ पर यह है कि आज इनको गुरु धारणा मान लो करा दी जाती है, अब 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी शादी और कहीं होने वाली है, तो उनको तो फिर कभी गुरु तो तेरा पंथ की एर शादी और कहीं हो गई, अब वहाँ का दबाव भी नहीं, गुरु तो अपने वहाँ के मान लो वहाँ के, तो फिर इनके सामने कुछ समस्या आ सकती है। तो सबसे बढ़िया ये महिला मंडल और ये चिंतन करें कि कोई दबाव तो देने की बात नहीं है, एक तेरा पंथी कन्या है जैन श्वेतांबर की, अगर उसकी शादी तेरा पंथी जैन श्वेतांबर में होती है तो धर्म की दृष्टि से उसके कोई विशेष समस्या आने की संभावना नहीं रहती, वो वही तेरा पंथी, ये भी तेरा पंथी, जिन संस्कारों में वो पली पुसी वही परिवेश आगे मिल गया, तो उसके वो कठिनाई आने की संभावना विशेष नहीं रहती होगी। तो ये शादी आगे कहाँ होती है, इस पर एक कन्याओं को पथ दर्शन परामर्श आदि आदि मिले कि ऐसे परिवारों में वो जाने से बचे ही बचे जहाँ नॉन वेज है, एकदम जैन संस्कृति से प्रतिकूल कार्य है, तो ये कई स्टेज है, एकदम प्रतिकूलता वाला परिवार, एकदम प्रतिकूलता तो नहीं, खान पान तो अशुद्ध नहीं है, पर जैन संस्कृति वहाँ नहीं है, फिर जैन संस्कृति भी है परंतु वो तेरा पंथ की मान्यता परिवेश उससे कुछ अलगाव है। तो इस सारे संदर्भ में ये अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल ध्यान दे रहा होगा या नहीं, मैं कोई इस पर कुछ नहीं कह के लोग होना, ये मैंने एक विचार रखा है कि इस पर चिंतन करके भी कि कन्याओं को कैसे एक गाइडेंस
एक एडवाइस अच्छी ऐसी मिली उनको, उनसे भी पूछ भी तुम्हारा इसमें क्या चिंतन है, वो तो हमारा यह चिंतन, तुम क्या सोचती हो, तो उनको दिमाग में समझा करके भाई कि तुम्हारे अपने भविष्य के बारे में तुम ध्यान दो कि तुम्हारा भविष्य कहाँ बीत सकेगा। तो इस बारे में कार्यशाला है, चिंतन है, कभी भाषण है, कभी लेख आदि आदि रूपों में वो कन्याओं को हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियाँ महिला मंडल की बाइयाँ है, तो वे जो ये कन्याओं के सम्मेलन हों कोई जगह जगह भी हों तो उनमें ऐसे विषय की बाइयों में कोई प्रवक्ता हों, ऐसी 2-4-10 प्रवक्ता बन जाए, इस विषय की प्रवक्ता हों, इस विषय को वो समझा सके और कन्याओं के गले उतार सके, कन्याएं उन बातों से सहमत भी हो सके, इस प्रकार की जानकारियां रखने वाली जो बाइयां हैं तो वो ऐसे प्रवक्ता के रूप में काम करें ताकि कन्याओं को एक चिंतन मिल सके। तो मैंने मेरा कि बस निर्णय कर लें और बाद में उनको भी समझाओ समझाओ, वहां लाओ वहां लाओ वहां लाओ, यहां लाओ समझाओ, या समझाओ समझाओ बाद में करने, कई बार वो माने न माने कुछ, तो वो निर्णय करे उससे पहले पहले उनके दिमाग में बात है भी हमें निर्णय वैसा नहीं करना, निर्णय जो हमारे संस्कृति से प्रतिकूल हो, तो वो बात पहले समझाएंगे, वो पानी पहले ही पाल बांध लो, बाद में पाल पहले ही पाल बांध दो ताकि खतरा न हो, तो पहले से ही ध्यान दिया जाए, कन्याओं को यह बात बताई जाए, तो वह एक प्रोग्राम का मैं एक विचार दे रहा हूँ, बाकी जैसा ठीक लगे वैसा एक विचार दे रहा हूँ मैं तो। और यह तो ठीक है हमारे धर्म के संस्कार, शनिवार की सामायिक का ढाला कन्याओं में जितना हो सके वो रहे, हमारा तत्व ज्ञान का विकास हो, ये हमारे कन्या मंडल की बाइयाँ, ये 4 गीतिकाएँ हैं और तो तत्व ज्ञान का कोर्स आदि आदि, वो 4 गीतिकाएँ कोर्स में है या नहीं, ये एक तो चर्चा धारोरी 3 गुण ठाणा अमर कया छे वो, ये ढाल एक, दूसरी ढाल है कि शिव बट जाटा चोवटारे शंख कंख ए दो, ये दूसरी ढाल है, तीसरी एक ढाल है कृपण दीन अनाथ, ये एक ढाल है, चौथी है जिन भाख्या पाप अठार शिवयानी धर्म लिख, ये 4 गीतिकाएं जो हमारी पुरानी गीतिकाएं हैं भिक्षु स्वामी जया छ, तो इन गीतिकाओं को ये कंठस्थ कर लें, गे भी हैं इनका अर्थ भी समझ लें, चितारना करते रहें, तो उनको एक तत्वज्ञान का एक थोड़ी एक कंठस्थता के आधार पर, गे गीतिकाओं के आधार पर उन्हें कुछ तत्वज्ञान भी रह सकेगा, तो तत्वज्ञान ऐसा होने से उनका श्राविकापन है वो और ज़्यादा कुछ गहराई की ओर प्रवेश कर सकेगा जा सकेगा, ऐसी वो तत्वज्ञान की भी गीतिकाएं उनको याद रहें और अच्छी तरह कोई साधियों समणियों के पास समझ लें कर लें तो उनको तात्विक ज्ञान कुछ अच्छा हो सकता है। कन्याएं जो पढ़ी लिखी भी होती हैं तो वे अच्छा काम कर सकती है, वो भाषण देना वक्त अंग्रेजी में एक हिंदी में जहाँ जैसा उनके उनकी योग्यता है वो अंग्रेजी में भी अच्छा भाषण कई दे सकती हैं, तो उनका अपना कुछ अच्छा ज्ञान हो फिर उनका उपयोग भी जहाँ उनके जितनी अनुकूलता हो वो भाषण के माध्यम से, आजकल तो दूर बैठे भाषण दो कितने लोग सुन लेते हैं, तो ऐसी कन्याओं की जो यह लौकिक शिक्षा के द्वारा योग्यता उनकी बढ़ती है, वो अंग्रेजी में मान लो बोल सकते, उन्हें यह भाषा का अच्छा अभ्यास है, उनको और भी बौद्धिकता का अभ्यास है, डिग्रियाँ कई मान लो डिग्री प्राप्त है तो अपने विषय में वो कुछ निष्णात है या दक्ष है, अब साथ में अब उनमें भाषण की कला है, अब वो धर्म की और जीवन शैली की अच्छी अच्छी बातें भी प्रस्तुत कर सकें, अच्छा भाषण दे सकें, तो कन्याओं में 15-20-25-30-35 ऐसी प्रवक्ता, कन्याओं में महिला मंडल की बाइयों में ऐसी प्रवक्ता, क्योंकि कई ये बाइयाँ भी भाषण अच्छा बोलती है, भाषण अच्छा, तो वो भाषण है तो वो ऐसे विषयों पर अधिकृत बन जाएं, तो अमुक विषयों पर वे कहीं भी अपने समाज में जरूरत हो तो और भी कहीं भाषण दे सके, तो वो उनकी उस योग्यता का उपयोग भी हो सकता है, तो यो उपासक श्रेणी में उपासिकाएँ होती है वे भी अच्छा अपना भाषण देने वाली, उनमें भी अच्छी प्रवक्ता बाइयाँ हो तो वो महिला समाज में एक औरों में भी अपना अच्छा अंग्रेजी हिंदी भाषाओं के माध्यम से काम कर सकती हैं, तो कन्याओं में अच्छे संस्कार हों
अपने सिद्धांत हों कि सहिष्णुता का भाव भी हो। जिंदगी में कठिनाइयाँ प्रतिकूलताएँ आ सकती है, मन की प्रतिकूलता, मन के प्रतिकूल कई बार स्थितियाँ सामने, तो कैसे वो सहिष्णु भी रह सकें और निर्भीक भी रह सकें, अपनी बात अच्छी तरह कह भी सकें, सहिष्णु भी रह सकें, धैर्य रख सकें। विचलित स्थिति है, धैर्य रखो, शांति रखो, क्या करनीय है, या दिमाग शांत रहे। तो यूँ अच्छे संस्कार हों कि भाई ईमानदारी, नैतिकता, ये अच्छे संस्कार हों, अहिंसा की भावना हो, बौद्धिकता जो हो उसका अच्छा उपयोग हो। तो ये जैन श्वेतांबर तेरापन समाज की कन्याएं हैं, वे बहुत अच्छा काम कर सकती है। उनमें लगता है, उनमें आजकल बाई कन्याओं में, बाइयों में अर्हता लग रही है, उनमें बौद्धिकता, शिक्षा की से युक्तता लग रही है, उनको और आगे का रास्ता साफ उनका हो जाए, वो अपनी इस शिक्षा से अर्जित योग्यता को धार्मिक संदर्भ में उसका उपयोग करना शुरू कर दें। कि जैसे पात्र तैयार है, पात्र तैयार है, अब पात्र में क्या डालना है, किस काम में लेना है, वो खास बात है। हमारे साधियों के पास मान लो पात्रियां हैं, अब पात्रियां हैं, अब किस पात्री को व्यंजन लाने में काम लेना है, किसको पेय लाने में काम में लेना है, किसको आहार लाने में, वो किसका कहाँ उपयोग हो जाए, योग पात्रता तो है ही है। इसी प्रकार कन्याओं में, कईयों में ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनमें वो आधुनिक शिक्षा के द्वारा उनमें योग्यता, बड़ी योग्यता है, बहुत बोलने की, एक चिंतन की, एक ऐसे तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनको, तो वो उनकी योग्यता जो है उसका उपयोग अच्छा होता रहे। कहाँ करना, कैसे करना, जैसे जैसे अनुकूलता लगे, वैसे हमारे साध्वी प्रमुखाजी आदि हैं महिला मंडल की बाइयाँ, वो कन्याओं का कैसे उपयोग और इनका भविष्य कैसे ठीक रह सके, इन बातों का उनको चिंतन भी दिया जाए, गाइडेंस, एडवाइस जो भी वो दिया जाए, वो बहुत उपयोगी बनी रहें। और तेरापन समाज की कन्याएं हैं, उनके संस्कार भी अच्छे हों, तो उनका अगला घर कैसा, वो भी बहुत ध्यान, अगला घर उनको कैसा मिलेगा, वो भी बहुत ध्यान देने का, ताकि वो फिर तेरा पंथ से दूर तो नहीं हो जाए, कहीं संस्कृति से दूर तो नहीं हो जाए, इन बातों पर यथा समय चिंतन हो। मैंने एक विचार रख दिए, कोई यह नहीं कि ऐसा ही करना, बाकी अच्छी तरह विचार करें भी कैसे, क्या प्रणाली बने, क्या हो, अच्छा हो और कन्याओं का अच्छा भविष्य रहे, वो उनकी योग्यताओं का अच्छा मौके मौके पर उपयोग भी हो और अच्छा काम चलता रहे। मंगल का।